अब हमारा उस कंटेनर से कोई भी रोल नहीं है जो इनको नोटिस इनको जो सूचना मिली मुखबिर से जो सूचना मिली उसमें इनको सूचना मिलती है कि लखन कुशवाहा और उसका साथी ट्रक चालक निहाल सिंह जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं हैदराबाद से एक ट्रक में पचपन किलोग्राम गांजा लेके आ रहे हैं और इन दोनों को और इसके इस और इसके इस मुखबीर सूचना के आधार पर उन्होंने यहाँ बताए गए एड्रेस पे इन्होंने रेड करी और वहाँ पे इन्होंने 55 किलोग्राम गाजा इनका कहना है कि हमने वहाँ से सीज किया अब हमें वहाँ से इनका कहना है कि हम भी वहीं उसी ट्रक पे बैठे हुए थे पर हमारा रोल क्या है वहाँ पे ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया ट्रक हैदराबाद से चला ट्रक का ड्राइवर लखन कुशवाहा था दैट्स डिफाइंड ले निहाल सिंह आया वो भी डिफाइंड बट हम वहां पे कहाँ आ गए या हमारा क्या रोल था अगर हम वहां पे बैठे थे तो हमारा निहाल सिंह से क्या संबंध है या साथी लखन कुशवाहा से क्या संबंध है या उस ट्रक से हमारा क्या संबंध है जहां से ये गांजा जब्त हुआ वो इन्होंने कहीं पे भी नहीं किया हुआ नो एनी ट्रांजेक्शन की जो कि ये डिफाइन करे नो ना ही कोई बातचीत ना कोई सेल रिकॉर्ड ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया इस पे रूलिंग भी है जो मैंने पिछली हियरिंग में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करी थी अब ट्रक में छह बोरी लदा हुआ था अब इनको जो सूचना मिली थी एज पर इन्होंने जो रोजना लगाया हुआ है तीन बजकर चालीस मिनट पर इन्हें सूचना मिली और तीन बजकर चालीस मिनट की ये लिखते हैं की रोजनामचा सान्हा ये 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 इस समय सूचना है कि स्वतंत्र साक्षी ये डेस्क डेस्क दो साक्षियों को द्वारा मुखबिर सूचना के ब्यौरा देते हुए मुखबिर सूचना तैयार की गई रिपोर्ट दर्ज की गई अब तीन चालीस पर इनको सूचना मिलती है लॉर्सिक चार बजे की उसके बाद तीन पैंतालीस पे ये अगला रोज नामचा सा लिखते हैं तीन पचास पे अगला रोज नामचा सान्हा लिखते हैं कि इसके लिए नार्कोटिक विंग इंदौर की सर्च वारंट प्राप्त ना कर सकने की प्रति संलग्न की गई और चार बजे ये यहाँ से मूव करते हैं और जब चार बजे ये मूव करते हैं तो चार बजे की लॉर्डशिप मै आपको आ, मैं, मैं चार बजे इस समय सूचना मुझ निरीक्षक अशोक श्रीवास्तव से है कि रोज नामचा साधना क्रमांक तेईस पर प्राप्त मुखबिर सूचना के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु तो मैं निरीक्षक अशोक श्रीवास्तव हमरा आरक्षक ब्रिजेश सिंह पवार आरक्षक डेस्क डेस्क कई कई हैं उसके बाद ये लिखते हैं साक्षी सतीश व अभिषेक शासकीय वाहन टाटा सोमो क्रमांक एम से मैं विवेचना किट इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा बैटरी से संचालित मुझ निरीक्षक की स्वयं की सील नहीं होने से नारकोटिक थाना सील इंदौर की पीतल सील चपड़ी सुई धागा मोमबत्ती माचिस सफेद कपड़ा मोमबत्तीफेदीन छोटी बड़ी थैलियां ड्रैगन इन्वर्टर बैटरी लैपटॉप तथा प्रिंटर 500 ग्राम के बांट लेकर छिप्रा नदी पुल ए बी रोड की तरफ रवाना हो गए तीन पैतालीस पे सूचना मिली चार बजे ये पूरी सामग्री लेके जा रहे हैं वहां पे चार बजे रवाना हो रहे जैसे इनको पूरा हो कि वही बिल्कुल वहां पे रखा ही हुआ है और जाके हमें तोलना है अब चार बजे ये जाते हैं अब उसके बाद एफ आई आर पे आ हूं। उसके बाद इन्होंने यहां किया है ये वहां पहुंचे पूरा उसके बाद ये कहते हैं कि आवश्यक सामग्री सहित थाने से चार बजे रवाना होकर चार पैंतीस बजे क्षिप्रा नदी के पुल के आगे इंदौर तरफ ए बी रोड इंदौर पहुंचा जहां पर सड़क के किनारे खड़ा एक ट्रक दिखाई दिया जिसके अंदर छोटी लाइट जल रही थी देखा ड्राइवर सीट पर एक ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति तथा दो कंटेनर में दो उसमें कंडक्टर सीट तरफ बैठे हुए दिखाई दिए जो आपस में बातचीत कर रहे थे इनको इन्होंने घेर लिया अब लॉर्ड सिप चार पैंतीस पर यह पहुंचे और सारी सामग्री के साथ पहुंचे अब इनका कहना है कि ट्रक में छह बोरी लदी हुई थी अब उसके बाद जब ये कार्यवाही करने लगे उसके बाद ये लिखते हैं पुलिस स्टाफ तथा पुलिस वाहन क्रमांक की डैश डैश की तलाशी दी गई किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई पंचनामा पुलिस बल तैयार तलाशी तैयार किया गया मेरे द्वारा संदेही, देस देस, तीनों ही डैश डैश तीनों संदेहियों के गई आपत्तिजनक कोई वस्तु बरामद नहीं हुई बाद ट्रक के बॉडी के पीछे के गेट को खोलकर देखते हुए यूरिया खाद की बोरिया भरी हुई थी कंटेनर के अंदर जाकर देखा तो यूरिया खाद की थैलियों के बीच में तीन जूट के बोरे भरे हुए रखे हुए थे बाद तलाशी पंचनामा तैयार किया उक्त तो तीनों बोरियों को कंटेनर से नीचे उतार कर देखते दो बोरी में पीले रंग के टेप से लिपटे हुए छोटे बड़े दस दस पैकेट मिले तथा तीसरे बोरे में पीले रंग के टेप से लिपटे हुए पैकेट मिले इस प्रकार बत्तीस पैकेट बरामद हुए अब इनको तीन बोरे मिले लॉर्ड से उन बोरों का कहीं पता नहीं है जिस बोरे से ये माल जब्त हुआ उसको इन्होंने जब्ती में नहीं लिया उस पैकेट को भी इन्होंने जब्ती में नहीं लिया जो पैकेट वहां से मिले उसके बाद ये कहते हैं कि सभी को देखा पूरे 32 पैकेटों को खोला टेप को खोलकर सफेद रंग के कपड़े पर रखा गया उक्त माल को देखकर फूलदार कलीदार जैसा पदार्थ पाया गया जो नमी युक्त था उक्त पदार्थ को मैंने स्वयं और हमरा ही अपने अनुभवों के आधार पर मादक पदार्थ गांजा होना पाया और उक्त बरामद मादक पदार्थ गांजे को आपस में अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर आपस में मिलाया और उसका पंचनामा तैयार किया अब लॉर्ड ना तो कहीं बोरा है ना तो कहीं वो पैकेट है पैकेट का ना कहीं रैपर है और इन्होंने पूरा का पूरा सैंपल को भी पूरा का पूरा पहले मिला दिया उसमें से इन्होंने 100 सौ ग्राम के दो सैंपल निकाले अब तीन बोरे थे लॉर्ड से तो कम से कम तीन सैंपल निकाल लेते तीनों बोरों में से एक एक निकाल लेते तो वो भी इन्होंने नहीं किया पूरा का पूरा गांजा यहाँ पे सीट कर और उसको इन्होंने दिनांक एक दस इक्कीस की कार्यवाही करके माननीय माननीय सेशन कोर्ट के समक्ष जहां पे आज तक अभी एक भी सिंगल विटनेस इन्होंने एग्जामिन नहीं कराया उस पूरे के पूरे पचपन किलोग्राम गांजे को इन्होंने वहां से ऑर्डर लेकर नष्ट भी कर दिया अब अब क्या बचा हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर सिर्फ सौ सौ ग्राम के दो पैकेट हैं तो अब इससे सौ सौ ग्राम के पैकेट से यही सौ ग्राम ही तो वो हो रहा बाकी के लिए तो अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते अब लॉर्डसिप ये तो इनकी कार्यवाही थी धारा 42 का भी इन्होंने धारा 42 का भी पालन नहीं किया धारा 50 का भी इन्होंने पालन नहीं किया निरीक्षक के द्वारा स्वयं ये कार्यवाही की गई किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई बस उसका सबका पंचनामा तैयार करते हुए चले गए अब हमारा कहना है यहाँ पे भी कि उक्त कंटेनर हमारे पास से इन्होंने वस्तु जरा बरामद नहीं की यहाँ पे जो हमारा डिफेंस है इन्होंने जो वस्तु बरामद की ट्रक के अंदर से बरामद की लेकिन ट्रक से हमारा क्या संबंध है ये इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया किसी भी प्रकार की कोई ना तो कॉल डिटेल है ना तो 55 किलोग्राम गांजे के संबंध में हमारा कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन है ना ही इनमें से किसी से जब इनके मेमोरेंडम स्टेटमेंट लिए गए तो इनका कहना है कि ये पूरा का पूरा थाना गांजा गुंडिया भाव का है जो कि हैदराबाद से ये लेकर चले थे और हैदराबाद से लेके चले थे लखन कु जो की कोई है वो ट्रक को चला रहा था और निहाल सिंह वहां पे बैठा था हम कहां से बैठे क्या हुए ये इन्होंने चार्जशीट पेश कर दी दो साल महीने के लगभग हमें जेल में हो रहा अभी तक इन्होंने इस चीज को स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारा रोल क्या था और जो इन्होंने फिर हमारा गिरफ्तारी पत्रक बनाया गिरफ्तारी पत्रक देखिए लॉर्डशिप इन्होंने लगाया है पेज नंबर 35 पे गिरफ्तारी पत्रक में ये हमारी एक फोटो इन्होंने खींची है चप्पल पहने हुए और बिल्कुल कबाड़ी हालत में और हमारे पास से इन्होंने पाया है कितना जो संपत्ति जब्त की धारा पचास का एक वो कार्बन पत्र जो इन्होंने खुद हमें दिया था और नकदी रुपए एक सौ पचास और हमारा व्यवसाय डाला है यहाँ पे ड्राइवरी एड्रेस थाना ग्राम डिहरिया सोयत कला आगर मालवा सोयत कला जो कि लॉट अगर ये हमको लेना चाहते अगर हमें देना चाहते तो हैदराबाद से जाने के बाद पहले आगर मालवा पड़ता है फिर इंदौर पड़ता है तो हमारा यहाँ पे भी कोई रोल नहीं रहा कि हमें इन्होंने यहाँ से क्यों पाया इसके बाद जो इन्होंने लीकेज दिया है लॉर्ड ये सहमति पंचनामा धारा पचास का इन्होंने बनाया है इसमें पहला बनाया है इन्होंने आरोपी लखन कुशवाहा का इसमें इन्होंने लिखा हुआ है मेरे सामने संदेही लखन ने बताया कि वह लिखना नहीं जानता है केवल अंगूठा लगाता है और ये ये लेख किए पहला बनाया फिर दूसरा बनाया निहाल सिंह का और जो ये तीसरा बनाया हुआ है इसमें इसकी हैंडराइटिंग और इन दो की हैंडराइटिंग डिफर है लॉटसिप इससे ये चीज की संभावना अत्यधिक बनती है कि ये एक बाद में बनाया गया है या बाद में भरा गया है इसके बाद लॉडसिप अगले पेजेस सिर्फ हमने लिया हुआ है इसमें इसका सब्सटेंस पूरा का पूरा इन्होंने खत्म कर दिया और सब्सटेंस का जो बिल है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनका कहना है कि ट्रक के अंदर 648 यूरिया की बोरियां भरी हुई थी और जाके देखा तो तीन जूट की बोरियां भरी तीन जूट की बोरियां मिली और तीन जूट की बोरियों को इन्होंने खोल लिया जबकि बिल के अकॉर्डिंग लॉटसिप जो माल इसमें भरा हुआ था अगर अकॉर्डिंग टू बिल चले अकॉर्डिंग टू बिल देखें तो इसमें तीन जूट की बोरियां नहीं थी जूट की बोरियां इसमें इन्होंने जो लिया है इन के अकॉर्डिंग जिटोल स्योर फ्लॉरिंग फ्लावरिंग की बोरियां थी इसमें 125 जो कि जूट की बोरी है लॉर्डशिप और जिटोल स्योर वेजिटेटिव है 40 बोरियां जूट की और जिटोल सेलेक्ट इसमें 20 बोरियां है, इस तरीके से 125 40 165 और एक बोरियां जूट की थी जिनमें से इन्होंने पैंतीस मिनट के अंदर अंदर दो बोरियां तीन बोरियां खोल के निकाल ली जहां से इन्होंने गांजा जब्त कर लिया ये बिल भी लगा हुआ है लॉर्डशिप ये है 119 नंबर पे अब इसी बिल के अकॉर्डिंग लॉर्डशिप ये माल जो जा रहा था इसमें लिखा हुआ है फर्टिलाइजर फर्टिलीज प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केयर ऑफ पलॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स बत्तीस SDA कंपाउंड बिहाइंड लसूरिया पुलिस स्टेशन देवासना का इंदौर और जहां पे ये ट्रक खड़ा हुआ मिला वो बिल्कुल इसी एड्रेस पे जाता हुआ जा रहा था इस क्योंकि अब उस समय रात घोर का टाइम था हो सकता है कि ये बंद रहा हो तो यहाँ पे यूरिया खाद उतारने के लिए ये ट्रक वहां पे खड़ा हुआ हो अब लॉट्स थर्ड थिंग्स हमने ग्राउंड अप प्रायोरिटी लिया हुआ है इसी केस में सिमिलर बेंच ऑफ अनेबल हाई कोर्ट ने 65 किलोग्राम अफ गांजा में जिनको बेल दी हुई है मैंने लास्ट हियरिंग में वो लगाए हुए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय न्यायालय के समक्ष में पहले दे चुका हूं तो यदि मतलब Uh, there's a recovery of total 55 kg of opium, malot. Mm -hmm. And the recovery is joint recovery malot from Lakhan, Nihal, and the present applicant, Erfan malot. Mm -hmm. The Caesar memo is already on record malot. Mm -hmm. Apart from that, there are 27 memo of all the three accused persons mm -hmm. that they were carrying this contraband malot. I'm reading 27 memo of Lakhan malot. उपरोक्त पंचानों के समक्ष लखन कुशवाहा ने बताया कि मैं खंडवा में रहता हूं कंटेनर आयशर कंपनी का चलाता हूं कंटेनर नंबर सचिन सच में यूरिया खाद के पैकेट इंदौर के लिए लोड किया था नारायण गुंडिया निवासी जगन्नाथ पल्ली ने गांजा लेकर कंटेनर के पीछे पैकेटों के बीच में छिपाकर माल रखा था निहार सिंह के साथ देने गांजा देने के लिए भेजा था इंदौर लाया था जिसके एवज में मुझे 15 जो पर देने के कहा था जो निहाल जो निहाल ने उसके मोबाइल से इरफान शाह से बातचीत करके गांजा लेने के संबंध में बातचीत की थी ये गांजा नारायण गुंडिया का है जिसको घर मैंने देखा है और घर पर भी गांजा रखा चल चलो चल के बता देता प्रेजेंट एप्लीकेंट एंड परिमिनलोट पास का है gambling, Apart from that, there's been the thing. Yes,